नेचुरल नेचुरल थैंक यू वेरी गुड या तातिश बेटा लगा दे लाइट ना जहां बहुत सारे टीवी और फिल्म्स के सितारे हमारे साथ होंगे और उन्हें अवार्ड्स भी मिलेंगे, लेकिन यहां पर कुछ शानदार परफॉर्मेंसेस भी होने वाली है। दिल में आप सभी को बता दूं कि बॉलीवुड का नशा ऐसा हुआ है कि आज मोनिका के सर भी है, क्योंकि ये मेरा नाम आरुषि से आरोही बोल रही है। देखा, मुझे लगा तुम्हें तो पता है तुम्हारा नाम क्या, लेकिन लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, वो हमें सुन रहे हैं कि नहीं। सो वो मुझे करेक्ट किसी ने नहीं किया, तो देख लो आरुषि, मैं यही बताना चाहती हूँ कि बॉलीवुड का नशा है ये सबसे बड़ा नशा है, जिसके सब दीवाने हैं। रोते स्क्रीन पे हैं, आंसू यहाँ आते हैं, हंसते वहां है, गुदगुदाते हम हैं। Absolutely right. Bollywood ने हमें बहुत कुछ दिया है, जहां as आरुषि कह चुकी है कि हर इमोशन हमारे साथ जुड़ा होता है, हर रिश्ता हम उस सीन के साथ खुद जी लेते हैं। सो ऐसा ही है हमारा बॉलीवुड, जहां के आज कुछ खास सितारे। And आरुषि, I must tell to you and everyone that टीफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अंडर टीफा हम बॉलीवुड के सितारों को ही नहीं बल्कि हमारे टीवी के उन शानदार सितारों को भी नवाज। जी हाँ, और उसका श्रेय जाता है none other than talented, versatile personality, Shami May Khan. Absolutely, he's the one and only. और guys, अब हमें लग रहा है बहुत देर से बोल रहे, लेकिन आपकी प्रेजेंस भी आने चाहिए। So ladies and gentlemen, please use your applause for the 6 Tifa Awards. दिए tonight Film Awards. चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ सितारे आ चुके हैं। आरुषि, तब उनसे कुछ वार्तालाप करें क्या? बिल्कुल करते हैं। तो चलिए, हम कहाँ पे, यहाँ से कुछ बॉलीवुड के फेमस डायलॉग हम पूछते हैं और इनकी स्टाइल में करना है। I think आजकल के बच्चे उनको सारे डायलॉग सब आप ही बता दो। तो आप कोई डायलॉग क्या बोलेंगे? एक डायलॉग क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा लोड जवाब हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को किसी ने दिया, आपने हमारा दिल तोड़ दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो हम भी यहाँ पर तो ये जाने वाले चेहरे हैं, जाने वाले लोग हैं, कुछ चेहरे लगते हैं। तो चलिए पीछे, अरे आ जाओ सर, आ जाओ। एवरीवन लुक हियर, छोटा सा सवाल है और ये है कि जब आपका प्रतिभागी फेस खूबसूरत किसी को याद करता है तो आपके मन में बॉलीवुड का कौन सा गाना बजता है? यार टीफा जब से शुरू हुआ तब से मैं टीफा के साथ में हूँ और मेरे भाई का अवार्ड है और हमेशा अच्छे काम करते हैं शमीम भाई, तो आई एम ऑलवेज विद हिम और हमेशा जो लोग अच्छे काम करते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ। एंड आई एम विद हिम एंड दिस इज लाइक अ फैमिली टू मी नाउ टीफा, आई एम ऑलवेज इन टीफा। इस बार बहुत सारे अवार्ड शोज बढ़ गए, 365 अवार्ड की जो मतलब जो विशेषता है वो कम हो जाती है इसके वजह से। यार अब ये तो धंधा हो गया यार, हर जगह पे हो रहा है, अभी फिल्म फेयर है, ये है, टीफा है, सब जगह अवार्ड हो रहे हैं, अच्छी बात है। जहाँ पे किसी को नहीं मिला किसी को कहीं मिल जाता है, किसी को कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है। ज़्यादा अवार्ड होना भी अच्छी बात है, तुम लोग का भी घर चलता है, मीडिया वालों को भी कन्वेंस मिलता है, खाना वाना मिल जाता है, हमारा भी चलता है, हमको अवार्ड मिल जाता है, तो अच्छी बात है। जितने लोग ज़्यादा, जितना विकास तो नहीं हो रहा है लेकिन इसमें विकास ज़रूर हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। कोई प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? अभी मेरा रिसेंटली गाना रिलीज हुआ है देख गोली, अच्छा चल रहा है। कॉलर पकड़ झटका दे, कान के नीचे फटका दे, ले कोपचे में अटका दे, दो चार को तू टपका दे, तो थोड़ा सा वायलेंस है उसमें लेकिन सच्चाई है। और गाना मैं सोचा नहीं था कि गाऊंगा लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला आप ही गा दो, आपने लिखा अच्छा है तो मैंने गा दिया। आई एम हैप्पी अबाउट इट।
आप एक गाना थैंक यू बहुत बहुत बधाई हो जिन्हें अवार्ड मिल रहा है उन्हें भी बधाई हो जिन्हें नहीं मिल रहा है उन्हें भी बधाई हो और जो अवार्ड देने वाले हैं उन्हें भी बधाई हो जो लेने वाले उन्हें भी हाँ जो लेने वाले उन्हें भी बधाई हो टास द गेम बिगिन क्या बात है उसका हीरो कौन है यार में से फिर अपन पब्लिक को एंटरटेन करते हैं आई थिंक आरुषि एंड यू एक फोटोग्राफर मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मूंज वाला है दिनेश दादा यस सर सुनील पाल जी भी आइए प्लीज सुनील पाल जी प्लीज आइए यार अब तो मुझे लगता है मुझे माइक छोड़ना ही पड़ेगा और नासिर जी आप भी आइए भाई नहीं यार प्लीज आइए ऐसा मत करिए अरे बस क्या है मेरे पैर मत छू लेना सर मर जाऊंगा सर ऐसा मत करना अब मैं माइक छोड़ दूं मेरा क्या काम है और कोई शख्सियत रहे तो नहीं नहीं हाँ ठीक नासिर भाई प्लीज आइए समीर भाई नासिर भाई समीर भाई प्लीज आइए आइए थोड़ी सेरेमनी करते हैं उसके बाद ओ समीर भाई आहा दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे कितना अच्छा लिखते हैं सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं और कोई रह गया है आमिर भाई भी आएंगे अगले साल इंशाल्लाह हम उनको भी बुलाएंगे आएंगे आएंगे सुचित्रा मैडम प्लीज आइए प्लीज आइए बिहार के एक्स मिनिस्टर है और अभी मुझे चंदा देने वाले है ये कुछ 11 लाख रुपए का जावेद भाई एक्टर बेटा स्टेज थोड़ा बड़ा बनवा लेता थोड़ा सा जावेद भाई सो रहे ले अच्छे खासे सो रहे ले आ गया गया मेरा ओ मेरा जावेद ये बचपन से वैसे हम सबसे सीनियर ये है यहाँ पे अली भाई आपसे मेरे से सबसे सीनियर है ये नहीं सीनियर एक्टिंग करने में सर वेल एजाज जी जो यहाँ सबसे जूनियर है बट काम में सबसे ज्यादा सीनियर है उन्हें बुला लें कौन शमीम खान अरे ये तो भाई तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराया आज मैं बता ही दूंगा लोगों को आज मैं बता दूंगा कि साथियों भारत देश के लिए बड़ा गर्व का बात है कि हमारे बीच में सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा गरीबों की आवाज मजलूमों के मसीहा और मुल्क हिंदुस्तान इशराफ भी आ जाओ तुम भी ये मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा बेटा जिस पे हिंदुस्तान नाच करता है भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के आदरणीय रामदास अठावले साहब हमारे बीच में हैं कायफा परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से मैं उनका वेलकम करता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ तालियों से प्लीज तालियां बजाइए यार साथ में ही एक और सामाजिक न्याय की योद्धा जिनको समाज के लिए इंसाफ के काम करने का जो हक मिला है वो विरासत में मिला है आदरणीय परम शहीद जगदेव प्रसाद जी के फर्जन यानी उनके सुपुत्र आदरणीय नागमणि जी जिनका एक रिकॉर्ड रहा है कि भारत के संविधान के जो 4 सुतून हैं राज्यसभा लोकसभा असेंबली में विधानसभा और विधान परिषद चारों सदस्यों के चारों जगहों के वो मेंबर रहे और भारत सरकार में जहां अभी अठावले साहब मंत्री हैं उस पोस्ट को पहले वो संभाल रहे थे अब अठावले साहब संभाल रहे हैं दोनों यहां उपस्थित हैं और एजाज खान साहब हमारे बढ़ते हुए कलाकार अली खान साहब जो है एक ऐसे सिंबल हैं फिल्मी दुनिया के जो जिस महफिल में जाते हैं कामयाबी की गारंटी दे के आते हैं और हर जगह जाते हैं सुनील पाल साहब एक बहुत बड़े हमारे पीछे क्यों हैं आप आगे आओ प्लीज आप इनको जानते हैं कि हंसी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और एक बहुत बड़े सो लाफ्टर चैलेंज के विनर रहे हैं मैं सलाम करता हूं इनको भी हमारी सुचित्रा भाभी जी केंद्रीय मंत्री रही हैं बिहार राज्य सरकार में जावेद खान साहब और मनु पंजाबी साहब आ गया है बिग बॉस में बड़ा नुमाया खेला इन्होंने और बहुत पॉपुलर हुए और बड़ी सच्चाई के साथ खेला और एक गेम को करके बहुत पॉपुलर अपने आप के अपने पन और अपने कला को स्थापित किया मंच पे हैं समीर अंजान साहब जिनकी कलम ने 12 सच्चाई पे आधारित बात की और लोगों को रूबरू कराए
वो हमारे बीच में है, लीजेंड है हमारे सिनेमा के, हमारे फतेहान साहब हमारे बीच में है सिनेमा और टेलीविजन पे, हर जगह आप सब इनको देखते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे लोग हमारे राजस्थान से, हमारे एक सदर साहब हैं, उनको सिराज खान साहब को मैं बुलाना चाहता हूँ। उनकी पगड़ी जो भारत की लाज होती है, शान होती है, हमारे बीच में आए हैं, उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। और भारत देश जो परंपराओं का देश है, भारत जो आस्था का देश है, भारत जो एक संस्कृति का देश है, आइए अब एक लौ जलाते हैं, रोशनी जो सफलता को आगे लेके चलती है। दिया जलाता हूँ कि जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर साहब को मैं दिए की तरह बुला देता हूँ, साथ में हमारे जितने भी मेहमान हैं सबको पहले जला लेंगे, उसके बाद आइए तालियों का स्वागत करिए। पर got him on the stage. Yes. Put your hands together, everyone, for none other than the Vadali brothers. Say Yash Vadali coming on stage. Jinka latest track Kisko Pata, har kisi ko pata chal chuka hai. Wow, jo Bika Singh ki jaisi chain pehante hai. Yes, yes, yes. Please come on the stage. Please welcome Yash Vadali, जिनकी आवाज में एक अलग ही जादू है, एक अलग ही मिस्ट्री है, एक अलग सा एहसास है, और वो आज आप सभी को महसूस भी होगा और नजर भी आएगा। वेलकम यश। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, कैसे आप सारे? एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूँ स्टेज पे, आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो करिए शुरू। यस, एक बार इजाजत दे दीजिए। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाओ बैंड बाजे वाले, ढोल वाले लेके आ जाओ, लाइट्स ऑफ। आ रहा हूँ रतन भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, अंदर से बाहर जा रहा हूँ। थैंक यू। मनुख दे रूह को चुरासी कुमे लिखिया Yeah.
And we have also the great Manu Punjabi on stage. And the superb choreographer. जी हाँ सरोज राजपूत जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कितना टफ था इनके लिए कोरियोग्राफी करना? बहुत टफ था, एक तो इनकी हाइट और मेरे डांसेस काफी छोटे छोटे और काफी लंबे। एनीवेज थैंक्स टू टाइफा, बहुत कुछ चल रहा है हलचल इधर। थैंक्स टू टाइफा, थैंक्स टू मिस्टर शमीम खान, थैंक्स टू जानवी, थैंक्स टू शफी भाई, पूरा ग्रुप ऑफ टाइफा एंड टू यू, टू माई डार्लिंग Yes, Shalali. And to you, sir, too. Thank you. That's it. So, it was a very wonderful performance. So, iske liye ek baar zordar taaliyan band diye so logi show mein energy bani rahegi isse. So, guys, pura footage lenge Mr. Azaz pure taiyar hai. Pura color camera lage saath mein ke kahin par bhi camera ja raha ho lekin inki taraf focus rahe idhar. मैंने मुझे धूप से बचाने के लिए खुद को लाइट में लाने के लिए छाता लाया है। लड़कियों को धूप से बचाते हैं मिस्टर एजाज खान, कल का सेंसेशन है। मतलब खूबसूरत लड़कियों को धूप से बचाते हैं मिस्टर एजाज खान, कल की न्यूज ये भी हो सकती है। पर मुझे लगता है कल की न्यूज ये भी होगी कि दो फीमेल एंकर स्टेज छोड़ के भाग गई और दो मेल एंकर ने स्टेज संभाला। ओवर टू यू एजाज। ये थोड़ा अच्छा भी रहेगा, ये अच्छा रहेगा यार। मनु हाँ भाई यार, ये बिग बॉस में क्या हो रहा है आजकल? बिग बॉस में जो हो रहा है वो तुम्हारे जाने के बाद शुरू हुआ है। जब से तुम एक मार्क छोड़ के आए हो, झगड़ों का, लड़ाई का, कंट्रोवर्सी का, आपस में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बताओ यार, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। मतलब ये गलत बात है। यहाँ पे कितने लोग एग्री करते हैं एजाज खान बहुत अच्छा आदमी है? हाँ सुपर फैन फॉलोइंग है भाई। अरे दो खूबसूरत लड़कियों ने हाथ ऊपर किए थे यार। देखो आप लोग इसका पक्ष ले रहे हो, इसको सिर्फ दो खूबसूरत लड़कियों से मतलब पैदरे सारे लोगों, बाकी किसी ने तो हाथ ही नहीं देखा। मैं आप कोई जोर से बोलिए यार, ऐसा घूमी ऑडियंस है आज, सॉरी। वो देखो वो हाथ ऊपर है, देखो वहां पर वो एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है। थैंक यू सर। हां मैं आपको झुक के प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। इससे मैसेज मिलता है कि अब आपका भी टाइम हो चुका है, अगले आने वाले लोगों को परफॉर्मेंस करने दो, मौका दो। अच्छा हम तो बोल रहे हैं सबको मौका दे रहे हैं यार, बस जनता को एंटरटेन किया जाए, वो बोर ना हो जनता। हाँ ये एजाज के पास क्वालिटी है, आप में से किसी को बोर नहीं होने देगा डेफिनेटली। सो हमारे पास में यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स हैं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बीच बीच में आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए मिस्टर एजाज खान हम लोगों के साथ होंगे, जो कि अभी इत्तेफाक से हमको ज्वाइन किया इन्होंने और टिल रहने वाले एंड तक। तो एक बार एजाज खान के लिए जोरदार तालियां। एंड तक का तो वादा नहीं करते हम, हम कब गायब हो जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन जब तक हमें शमीम भाई की वो स्माइल दिखाई देती है तब तक हम यहाँ पे, तब तक बारिश नहीं होगी यहाँ कंफर्म। देखो पठान पठान जान से जाए लेकिन जबान से ना जाए, और हमने जबान दी है इनको कि हम यहाँ रुकेंगे तो हम रुकेंगे इंशाल्लाह। So, एजाज पता है अभी नेक्स्ट कौन आने वाला है फ्लोर पे? देखो वैसे आज मेरे लिए बहुत सैड का दिन है क्योंकि आज बीजेपी जीत चुकी है, तो चलो शो को शो के दायरे में रहने देते, किसी कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं चलते हैं। तुम्हारी मैंने यहाँ पे एक ऑडियंस में बहुत खूबसूरत लड़की देखी वो मुझसे भी चुकी नहीं, पर मैं बोल नहीं रहा हूँ बस फर्क इतना सर। तो उनसे कोई सवाल किए जाए यार। डेफिनेटली चलिए यार, ऑडियंस में चलते चलो 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 ओ मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। इस आदमी के पास एक छतरी है, सबको ऑफर करेगा आज शाम को, कितने लोग आ सकते हैं ट्राई करो। हाय व्हाट्स योर नेम? प्रीति। प्रीति वैसे तुम्हें देख के ऐसा लगता है भगवान ने तुम्हारे खूबसूरत लड़कियां बनाना ही बंद कर दिया है। ये आपके डैडी तो नहीं है? नहीं सॉरी सर, अंकल सॉरी अंकल। वैसे अंकल आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, फिरोज खान की याद आ रही है आपको देख के। फिरोज साहब कुछ कहेंगे सर फिरोज साहब के बारे में? Whatever you say is the right words coming from you as a star. So, yeah? Love you sir, love you, love you, love you. हाय हाय अम्मी अभी बैठी है, हाय क्या बात है अम्मी जान, कैसी हैं आप? अम्मी जान कहती है कि कोई भी धंधा बुरा नहीं होता और एजाज से अच्छा कोई इंसान नहीं होता। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तू मेरी तारीफ मत कर यार, मैं बहुत बुरा आदमी हूं।
ये सबको पता है, आज तो अवार्ड है ना, अच्छी बात ही करेंगे। आई एम अ बैड बॉय फ्रॉम अ गुड फैमिली। हां हां, एग्री एग्री। ऑल व्हाट्स योर नेम? अरे खुशबू, तुम्हारी खुशबू मुझे स्टेज तक आ रही थी यार। कमाल करती हो यार, कौन सी खुशबू लगाती है? हंसी आ रही है आपको? मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है ना? बस मजा आना चाहिए सर। वैसे छतरी में मेरे साथ चलेंगे थोड़ा आगे तक? मेरे हाथ पर दर्द हो रहा है। देख बड़ा भाई हूं मैं, तेरा छतरी पकड़ ले थोड़ी देर। मैं बिल्कुल इस छतरी को पकड़ना चाहता हूं, पर एक परफॉर्मेंस करने के बाद। वही तो कह रहे हैं, कौन है परफॉर्मर यार? सो नेक्स्ट हम लोग एजा स्टेज को खा जाएंगे। सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस करवाते हैं। पहले आने वाली एक वर्सेटाइल सिंगर जिन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर लोगों को एंटरटेन किया है, और अभी अभी वो बस रिसेंटली हमको उन्होंने ज्वाइन किया है। सो प्लीज वेलकम फ्लोर पे मधु आएंगी। एक बार प्लीज मधु के लिए जोरदार तालियां। मधु के लिए जोरदार तालियां। मधु राजस्थान की बहुत ही मानी हुई सिंगर है और काले कपड़े पहन के अभी गाना गाने वाली है। वाओ मधु, प्लीज वेलकम टू द स्टेज। ऐसा लग रहा है एग्जाम से बोलने के साथ साथ तालियां बज रही। हेलो, हां बजाने की पड़ती है तालियां, पर ऑडियंस को बजा नहीं रही है यार। यार आर्टिस्ट लोग थोड़ा प्लीज यार, ये आवाज है यार, ये बनता है डेफिनेटली। मधु तुम कम ऑन द स्टेज, तुम आओगी तभी एग्जाम से मैं जाएगा। अरे यार कम से कम तालियां बजा दिया करो, आर्टिस्ट कोई ऊपर आता है उसके लिए यार। आपको अपनी मां की कसम है यार, जोर से तालियां बजाओ। हां बड़ा अवार्ड वाले नाम हम लोगों के पास है, हम उस पर घुमा सकते हैं। फिर बदल कैसे हो मधु? एकदम अच्छे हो, आप कैसे? मैं ठीक हूं। मधु ये वो इंसान है जो आज छाती में डालना चाहता किसी लड़की को। मैं तो से मधु, ये वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस माशाल्लाह। क्या मधु, मतलब क्या बोले तो बैक स्टेज? अगर खुदा ने हम सबको सोच के शब्द दिए होते ना, मतलब मान लो तारीफ करने के एक दिन में 1000 शब्द होते हैं, तो ये 9 बजे उठती है और 10 बजे इनके शब्द खत्म हो जाते हैं, तारीफ निकलती नहीं लड़की के लिए। Ready? Yeah. मधु, ठीक है, हम स्टेज तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं। चलो गाइस, लेट्स एंजॉय द परफॉर्मेंस। आप सब साइन इन योर नेगेटिव रोल। लेट्स शो तांबे जी, पीतल खत्म हो गया तुम्हारा क्या? रेडी माइंड ब्लोइंग सर, कुछ कहना चाहेंगे सर? शमीम खान और जितने भी लोग एसोसिएशन से जुड़े हुए, मैं उनका सबका धन्यवाद। पठाने साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पहली दफा अपने हाथों से मैं अवार्ड ले रहा हूँ। एजाज खान हमारे भाई हैं, सबकी मेहनत, हम लोगों ने जो है इंडस्ट्री को वक्त दिया है, कोशिश की है कुछ हासिल करने की। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू अली भाई, थैंक यू रामदास जी। एंड नेक्स्ट अवार्ड फॉर द फ्रेश टीवी फेस ऑफ द ईयर। फ्रेश टीवी फेस ऑफ द ईयर, लाइन मत मानने लग जाना। नहीं नहीं, अल्लाह दुश्मन हो सकता। हम उसे प्राची पहला। Where are you, Prachi? I want to see your face. Where are you, Prachi? पता लो लाइट पे नहीं जाते हैं। Please, Prachi, say something to the audience. दो साल की जर्नी रही है मेरी अभी तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फ्रॉम बीइंग द कैप्टन ऑफ द इंडियन नेटबॉल टीम ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010, एंड दिस इंडस्ट्री हैपेंड टू मी बाय डेस्टिनी। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक गॉड फॉर गेटिंग मी टू दिस चैलेंजिंग येट एंटरटेनिंग फील्ड। एंड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, ये मेरा इस इंडस्ट्री का पहला अवार्ड है। वाओ, दैट्स सुपर्ब। अल्लाह के वास्ते तालियां बजाओ यार। थैंक यू सो मच।
मच एंड मेरे पहले ही टीवी शो जिसका नाम है 51 जो कि स्टार्टअप से आता है उसके लिए एज क्या थैंक यू सो मच. शादी का रिश्ते के बारे में बात 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 करें अच्छा ठीक है. एंड मेरे माई दादा जी भी यहीं पर ही बैठे हैं अमर सर. So thank you so much Tifa for the wonderful welcome and this wonderful award. Thank you so much. Once again, my best friend Prachi. Prachi के लिए एक बात कहूँगा कि तुम भी सफेद कपड़े पहनती हो और एम्बुलेंस भी सफेद होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि तुम घायल करके चली जाती हो और वो घायलों को ले जाती है. मुझे घायल करके जा रही हो तुम. मैं तो फिर रामदास जी भी घायल हो चुके देखो कैसा दिख रहे. You look so beautiful. Allah तुम्हें हमेशा ऐसे ही लंबा चौड़ा रखे. Well, Azaz, we have one more dignitary with us. Please put your hands together and I will request. Sir. I must tell you, he's more handsome than you. क्या बात है सर, कैसे हो?